So now let's study about the transverse section of foliage leaf of pinus, which is also called as needle. तो यहाँ पे जो डायग्राम है, this is the transverse section of foliage leaf or needle of pinus, which belongs to trifoliar species. Trifoliar का मतलब है कि जो dwarf shoot है. Foliage leaves of pinus, they occur only on the terminal position of dwarf shoot. तो सबसे पहले एक डायग्राम देखते हैं इसको पढ़ने से पहले कि ये जो हमने ट्रायंगुलर आउटलाइन जैसा स्ट्रक्चर बनाया है फॉलिएज लीव का, ये ट्रायंगुलर क्यों है और इसके अलावा भी कोई और आउटलाइन शेप हो सकती है ट्रांसवर्स सेक्शन की फॉलिएज लीव की, या जिसको हम नीडल भी बोल सकते हैं पाइनस में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग दैट वी नीड टू नो हियर इन दिस डायग्राम, ये हमें चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो ये जो फॉलिएज लीव्स होते हैं पाइनस के अंदर, दीज फॉलिएज लीव्स दे ओनली अराइजेज ऑन द ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ. लिमिटेड ग्रोथ का मतलब है ड्वार्फ शूट्स के अंदर ही ये जो फॉलिएज लीव्स हैं ये वहां पे ही बन पाते हैं. अब ये जो ड्वार्फ शूट्स हैं, दीज आर दी ड्वार्फ शूट्स विच कंसिस्ट ऑफ स्केल लीव्स एज वेल एज इन द टर्मिनल पोजिशन दे कंसिस्ट ऑफ ए फॉलिएज लीव विच इज ऑल्सो नोन एज नीडल्स. तो ये जो फॉलिएज लीव है ये कैसा होगा, ये डिपेंड करता है कि वेदर वो मोनोफोलियर है, बायोफोलियर है, ट्राईफोलियर है, क्वाड्रीफोलियर है या पेंटाफोलियर है. विच मीन्स की जो शूट निकली है, ये जो लिमिटेड ग्रोथ वाली ड्वार्फ शूट है, ये जो है सिंगल रहती है, दो में डिवाइड हो जाती है, तीन में डिवाइड हो जाती है, चार में डिवाइड हो जाती है, पांच में डिवाइड हो जाती है. अगर ये सिंगल में डिवाइड बिल्कुल डिवाइड ना हो, ड्वार्फ शूट जो है बिल्कुल डिवाइड ना हो और टर्मिनल पोजीशन पे सीधा एक नीडल दे दे, तो वो हो जाएगी मोनोफोलियर स्पीशीज. और उस केस में जो इसका आउटलाइन सेक्शन होगा जब हम इसको ट्रांसवर्सली काटेंगे तो वो सर्क्यूलर आउटलाइन आएगी. एज वी कैन सी ओवर हेयर इन दिस डायग्राम, वी कैन सी दिस इज मोनोफोलियर, बायोफोलियर, ट्राईफोलियर, टेट्राफोलियर एंड पेंटाफोलियर. मोनोफोलियर में जो है ड्वार्फ शूट डिवाइड नहीं करती है तो इट गिव राइज टू मोनोफोलियर सिंगल नीडल. दिस इज द सिंगल नीडल. और अब इस नीडल को अगर हम ट्रांसवर्सली काटेंगे तो वो सर्क्यूलर आउटलाइन आएगा. इस तरह से जो है इंटरनल स्ट्रक्चर की जो आउटलाइन है वो इस तरह से होगी. बायोफोलियर स्पीशीज में देखेंगे तो वो दो में डिवाइड कर जाती है ड्वार्फ शूट, जिसके कारण जो है ये जो है सेमी सर्क्यूलर जैसी आउटलाइन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ फॉलिएज लीव की दिखती है पाइनस के केस में. सिमिलरली फॉर ट्राईफोलियर, पेंटाफोलियर, ट्राईफोलियर, टेट्राफोलियर एंड पेंटाफोलियर. तो ये तीन में डिवाइड होके ट्राइंगुलर है, ये चार में डिवाइड होके ट्राइंगुलर है और ये पांच में डिवाइड होके भी ट्राइंगुलर शेप है. तो यानी कि एक बार अगर ड्वार्फ शूट डिवाइड नहीं होती तो सर्क्यूलर, एक बार हो जाए तो सेमी सर्कुलर, और अगर तीन चार या पांच बार होती है तो ट्रायंगुलर शेप आउटलाइन आएगी. सो दैट्स व्हाई द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ नीडल ऑफ पाइनस इन केस ऑफ ट्राईफोलियर, टेट्राफोलियर एंड पेंटाफोलियर स्पीशीज इज ट्रायंगुलर इन आउटलाइन, व्हाइल इन केस ऑफ मोनोफोलियर एंड बायोफोलियर स्पीशीज इट्स सर्क्यूलर और सेमी सर्क्यूलर इन आउटलाइन. And there are certain examples of species from trifoliar which we are going to study, which is Pinus roxburghi, Pinus insularis, Pinus gerardiana. तो ये तीन स्पीशीज हैं जो कि ट्राइंगुलर स्पीशीज, इसे ट्राइंगुलर आउटलाइन देती हैं. तो शुरू करते हैं हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन को पढ़ना. Here again, we are back to the transverse section of the needle. तो शुरू करते हैं पाइनस की नीडल के साथ. The foliage leaf of pinus is also called as needle. तो उसको नीडल भी कह सकते हैं, फॉलिएज लीव भी कह सकते हैं. तो ये जो फॉलिएज लीव है इट हैज जीरोफिटिक करेक्टर. द फॉलिएज लीव और नीडल पोजेसेस जीरोफिटिक करेक्टर, विच मीन्स जीरोफाइट का मतलब है कि अपने अंदर जो है वाटर को वेस्ट ना होने देना और मिनरल न्यूट्रिएंट्स को कंजर्व करके रखना, क्योंकि जो ये हिली रीजन्स होते हैं यहाँ पे स्नो ज्यादा होती है, लिक्विड वाटर कम होता है. तो लिक्विड फॉर्म में जो है वाटर की कमी होने के कारण दे आर जीरोफिटिक इन नेचर, ड्यू टू विच दे हैव टू कंजर्व वाटर. सो फॉलिएज लीव्स आल्सो पोजेसेस जीरोफिटिक करेक्टर, इंक्लूडिंग रिडक्शन इन द सरफेस एरिया.
तो हम देखते हैं कि नीडल जैसी शेप है, राइट। तो इस तरह से जो है एक नीडल जैसी शेप है लीव की, तो इन जो नीडल जैसी शेप है, दीज नीडल शेप स्ट्रक्चर्स आर वेरी वेरी रिडक्शनल इन देयर साइजेस। तो इनका जो साइज है एक भी नीडल का, वो ज्यादा चौड़ा नहीं है, ज्यादा वाइड नहीं है, जिसके कारण जो है ये जीरोफिटिक करेक्टर है, ये अपने अंदर के मिनरल न्यूट्रिएंट्स को जो है वेस्ट नहीं होने देता। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करते हैं इसके ट्रांसवर्स सेक्शन में, तो ये जो है ट्रायंगुलर है, तो ट्रायंगुलर केस हमने देख लिया इन केस ऑफ पाइनस रॉक्सबर्गी, पाइनस इंसुलेरिस, पाइनस गराडियाना में ये तीन जो है ट्रायंगुलर स्पीशीज मिलती हैं। इवन पाइनस क्वाड्रीफोलिया एंड इन द पेंटाफोलिया स्पीशीज ऑल्सो सच एज पाइनस मरकुसी, तो उनमें भी जो है ये इस तरह की ट्रायंगुलर स्पीशीज दिखती हैं। तो ट्रायंगुलर स्पीशीज में सबसे पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहली जो है इसकी ट्रांसवर्स सेक्शन में शुरू करते हैं सबसे ऊपर की लेयर को, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, दिस आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। सो द एपिडर्मिस, लेट मी राइट, दिस इज एपिडर्मिस। सो दिस एपिडर्मिस, दिस इज सिंगल लेयर्ड एंड दिस इज वेरी कॉम्पैक्ट पेरेन्केमेटस लेयर व्हिच इज थिक वॉल्ड, बहुत ज्यादा थिक वॉल्ड एपिडर्मिस है एंड इट इज हाईली क्यूटिकुलराइज्ड। तो ये जो ऊपर जो एक कोटिंग है, ये कोटिंग किसकी है, क्यूटिकल की है। अब क्यूटिकल की कोटिंग क्यों है, द क्यूटिकल कोटिंग इज ऑर्डर टू प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ वॉटर। तो पानी से इवेपोरेट ना हो जाए या ट्रांसफर ना हो जाए, तो उसके लिए जो है क्यूटिकल की वैक्सी लेयरिंग है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ वाटर, इन ऑर्डर टू मेंटेन द जीरोफिटिक करेक्टर। सो एपिडर्मिस इज हाईली क्यूटिकुलराइज्ड, इट इज थिक वॉल्ड कॉम्पैक्ट पेरेन्केमेटस सिंगल लेयर। सो दिस इज अबाउट द एपिडर्मिस एंड क्यूटिकल। नाउ वी कैन सी द एपिडर्मिस इज इंटरप्टेड समवेयर बाय दीज स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हम देख सकते हैं डायग्राम में, सो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर नोन एज स्टोमेटा। सो एपिडर्मिस इज इंटरप्टेड बाय स्टोमेटा एंड दीज स्टोमेटास, ये जो स्टोमा है सारे के सारे, इनमें हम देख सकते हैं कि दी स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन ऑल दी सर्फेस, ये पूरे के पूरे सर्फेस के ऊपर प्रेजेंट है। केस ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक सरफेस के ऊपर ही प्रेजेंट हो, ऊपर ना प्रेजेंट हो, बट कुछ स्पीशीज में हर जगह प्रेजेंट हो भी सकते हैं। सो दी स्टोमेटा आर प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन ऑल दी साइड्स और इधर ऑन वन साइड ओनली एंड दीज एंड द डेवलपमेंट ऑफ स्टोमेटा इज हैप्लोचिलिक टाइप। द डेवलपमेंट ऑफ स्टोमेटा इज हैप्लोचिलिक टाइप। नाउ व्हाट इज दिस हैप्लोचिलिक टाइप, यहाँ पे टर्म है, द डेवलपमेंट ऑफ स्टोमेटा इज हैप्लोचिलिक टाइप। नाउ हैप्लोचिलिक का मतलब होता है कि जो स्टोमेटल इनिशियल सेल्स होते हैं, द स्टोमेटल इनिशियल सेल्स जहां से स्टोमेटा की फॉर्मेशन होती है, तो वो जो सेल्स होते हैं स्टोमेटल इनिशियल सेल्स, दे गिव राइज ओनली टू टू गार्ड सेल्स। सो हियर वी कैन सी द स्टोमेटल इनिशियल सेल्स, दीज आर द टू गार्ड सेल्स। सो द स्टोमेटल इनिशियल सेल्स गिव राइज टू ओनली टू गार्ड सेल्स व्हाइल द फॉर्मेशन ऑफ द सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स, जो कि गार्ड सेल्स के आसपास जो है सब्सिडरी सेल्स होते हैं। सो द फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी सेल्स अकर्स बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ सराउंडिंग एपिडर्मिस। तो आसपास की जो एपिडर्मिस जो इन गार्ड सेल्स को सराउंड करती है, वो ही मॉडिफाइड होकर सब्सिडरी सेल्स बना देती है, लेकिन जो स्टोमेटल इनिशियल सेल्स हैं, इट ओनली गिव राइज टू दीज टू गार्ड सेल्स इन ईच केस। सो दैट्स वाई द डेवलपमेंट ऑफ स्टोमेटा इज हैप्लोचिलिक टाइप। ऑल्सो ये जो स्टोमा प्रेजेंट है सारे के सारे डायग्राम में, जो स्टोमा हम देख रहे हैं पूरी सर्फेस के ऊपर प्रेजेंट है, दे आर दी संकन स्टोमेटा। सो स्टोमेटा इज संकन, ये जो स्टोमेटा है ये संकन स्टोमेटा है। सो संकन स्टोमेटा इज ए जीरोफिटिक करेक्टर। संकन का मतलब है अंदर की ओर धसे हुए, अंदर की ओर। हमें देखना है कि गार्ड सेल्स देखो नीचे की तरफ है, ऊपर जो है सब्सिडरी सेल्स लगे हुए हैं। सो यहाँ पे जो गार्ड सेल्स हैं ये अंदर की तरफ धसे हुए हैं। सो दैट्स वाई दी स्टोमेटा जो है, दी स्टोमेटा इज संकन स्टोमेटा आर प्रेजेंट एंड दिस इज अ जीरोफिटिक करेक्टर। हमें साथ साथ में जो है जीरोफिटिक करेक्टर भी काउंट करना है। सो हाईली क्यूटिकुलराइज्ड है एपिडर्मिस विच इज अ जीरोफिटिक करेक्टर, प्रेजेंस ऑफ संकन स्टोमेटा इज अ जीरोफिटिक करेक्टर एंड दिस स्टोमा दी गार्ड सेल्स ओपन इनटू एन इनर कैविटी। ये जो अंदर ये जो कैविटी दिख रही है, जो स्पेस दिख रही है,
तो ये जो गार्ड सेल है दे ओपन इन टू एन इनर कैविटी विच इज कॉल्ड एज सबस्टोमेटल कैविटी. तो द गार्ड सेल ओपन टूवर्ड्स इनर साइड इन टू ए सबस्टोमेटल कैविटी वाइल इट्स आउटर कैविटी जो गार्ड सेल्स के बाहर की कैविटी होती है इट इज यूजली फिल्ड विद व्हाइटिश और डार्क मटीरियल. तो ये जो है यहाँ की जगह भी जो है व्हाइटिश और डार्क मटीरियल से ढकी हुई होती है. सो दिस इज अ xerophytic character. The presence of sunken stomata is a xerophytic character. So this is whole about the outermost layer which is epidermis consisting of these sunken stomata present all over the surface of the trifoliate species of Pinus roxburghi or Pinus longifolia. तो यहाँ पे संकन स्टोमेटा से बात खत्म हो जाती है, एपिडर्मिस लेयर कंप्लीट होती है. एपिडर्मिस के बाद ये जो दूसरी ब्लैक कलर्ड यहाँ पे हम जो लेयर बना रखी है दिस इज 2 to 3 लेयर्ड थिक वॉल्ड स्क्लेरेन्काइमेटस लेयर. दिस इज अ स्क्लेरेन्काइमेटस थिक वॉल्ड लेयर विच एक्ट एज हाइपोडर्मिस. तो ये जो लेयर है ये एक तरह से हाइपोडर्मिस की तरह एक्ट करती है. दिस लेयर एक्ट एज हाइपोडर्मिस. सो दिस इज अ हाइपोडर्मिस लेयर. नाउ दिस हाइपोडर्मिस लेयर इज 2 to 3 लेयर थिक वॉल्ड एंड इट इज स्क्लेरेन्काइमेटस. तो ये जो है स्क्लेरेन्काइमेटस है, कॉम्पैक्ट है एंड इट इज इंटरप्टेड ओनली बाय द कैविटी ऑफ स्टोमेटा. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बीच बीच में स्टोमेटा की जो है कैविटी आ जाती है. सो द स्क्लेरेन्काइमेटस लेयर विच इज अ कॉम्पैक्ट हाइपोडर्मल लेयर इज इंटरप्टेड बाय द कैविटी ऑफ स्टोमेटा ओनली. ठीक है, सो एपिडर्मिस हो गया, हाइपोडर्मिस हो गया जो कि स्क्लेरेन्काइमेटस है, 2 to 3 लेयर थिक है. उसके बाद ये जो ग्रीन कलर्ड पोर्शन हम देख सकते हैं, ये जो बीच का पोर्शन है, ये जो ग्रीन कलर का हमें दिख रहा है, दिस इज मीजोफिल. सो एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, थर्ड लेयर इज मीजोफिल. मीजोफिल के अंदर जो है दीज आर दी सेल्स. द मीजोफिल lies below the hypodermis. It consists of हमें जो पता है कि लीव के अंदर जो मेसोफिल है, the mesophyll is differentiated into palisade and spongy parenchyma in case of normal leaves. But in case of this needle or foliage leaf, the mesophyll is not differentiated into palisade and spongy parenchyma. This is one thing to note कि जो mesophyll है वो palisade और spongy parenchyma में divide नहीं हो रखा है, ये सिर्फ normal cells contain करता है. It consists of these polygonal shaped cells which are having these discoid shaped chloroplasts for photosynthesis and they are parenchymatous cells. ये सारे के सारे जो बीच में हम green colored cells देख रहे हैं they are the parenchymatous cells which are arranged horizontally. They are polygonal shaped cells and they are filled with discoid chloroplast and this chloroplast is helpful for the photosynthesis process. So mesophyll is not differentiated, it is not differentiated into palisade and spongy parenchyma, right? And other than that, hum yahan pe kuch structure dekh rahe hain. Here 1, 2, 3. ये जो स्ट्रक्चर्स हम देख रहे हैं यहाँ पे, दी स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज रेजिन कैनाल्स, राइट? दी स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज रेजिन डक्ट्स कह लो या रेजिन कैनाल कह लो, चलो यहाँ पे डक्ट्स लिख देती हूँ. सो दीज आर कॉल्ड एज रेजिन डक्ट्स. ठीक है, तो ये जो तीन है रेजिन डक्ट्स है. सो विद इन द सेल्स ऑफ मीजोफिल्स देर आर सर्टेन रेजिन डक्ट्स प्रेजेंट अबाउट 2 to 5. दो से लेके पांच तक के जो है रेजिन डक्ट्स प्रेजेंट हो सकते हैं मीजोफिल के अंदर एंड दे आर यूजली प्रेजेंट एट दी कॉर्नर्स. यहाँ पे हम देख सकते हैं मीजोफिल्स आर दीज रेजिन डक्ट्स. The resin ducts are present in mesophyll at their corners. In Pinus roxburghi, ये usually तीन होते हैं और ये देखो तीनों corners पर present है and these resin ducts they are surrounded by, यहाँ पे जो है these resin ducts are surrounded by thin walled secretory epithelial cells. They are surrounded by thin walled secretory epithelial cells. These resin canals or resin ducts. The presence of resin duct is also a xerophytic character. साथ साथ में नोट करते जाएं कि जो resin duct की प्रेजेंस है वो भी एक xerophytic character ही है. ठीक है, और मीजोफिल का मेनली काम है फोटोसिंथेसिस करना. ग्रीन पोर्शन है, पेरेन्काइमेटस सेल्स है, पैलिसेड और स्पॉन्जी में बिल्कुल भी डिवाइड नहीं हुआ है जो कि हम नॉर्मल केसेस में देखते हैं लीव्स में कि जो मीजोफिल है वो यूजुअली डिवाइड होता है, बट इस केस में मीजोफिल डिवाइडेड नहीं है. और प्रेजेंस ऑफ रेजिन डक्ट एट द कॉर्नर्स ऑफ द लीफ इज अ ज़ेरोफिटिक कैरेक्टर विच इज सराउंडेड बाय
thin-walled secretory epithelial cells. Right, other than that, we are done with the first layer, epidermis, second layer, hypodermis, third layer, mesophyll. Now, fourth layer, this orange colored layer. The fourth layer is known as endodermis. ये जो फोर्थ लेयर है इसको हम एंडोडर्मिस बोलेंगे. सो दिस एंडोडर्मिस, ये जो एंडोडर्मिस लेयर है, दिस इज सिंगल वॉल्ड, सिंगल लेयर्ड, बैरल शेप्ड, वी कैन से लाइनिंग, विच इज हैविंग अ कैस्पेरियन थिकनिंग इन देयर रेडियल वॉल्स. तो ये जो एंडोडर्मिस है ये सिंगल लेयर्ड है, कॉम्पैक्ट है, कैस्पेरियन थिकनिंग प्रेजेंट है. कैस्पेरियन थिकनिंग का मतलब है एक ऐसी थिकनिंग, एक ऐसी वैक्सी लेयर जो कि स्यूबरिन से बनी होती है, जो वाटर की वेस्टेज को प्रिवेंट करती है या किसी भी तरह का वाटर, मिनरल, फूड जो है इससे एस्केप नहीं हो पाता है इनटू मेसोफिल. सो दिस इज एंडोडर्मिस. नाउ नेक्स्ट टू द एंडोडर्मिस वी हैव टू रिमाइंड दैट द सेल्स बिलो द एंडोडर्मिस एंड outside the vascular bundle. This is a vascular bundle. These two are the vascular bundles. The cell below the endodermis, and outside the vascular bundle consists of pericycle. तो ये जो बीच के जितने भी cells हैं जो कि vascular bundle के आसपास हैं और endodermis के अंदर हैं, inner side पे हैं, all these cells are included as pericycle. So the cells below the endodermis and outside the vascular bundle includes pericycle, which means जो pericycle है वो multi-layered है and it consists of mainly three types of cells. This is very important thing that we need to remind that pericycle is multi-layered consisting of mainly three types of या four types of cells. पहले जो cell है इसमें वो हम पेरेंट कैमेटस सेल्स हैं. ये जो पेंसिल से बने हुए शेप के सेल्स हैं, दीज आर दी पेरेंट कैमेटस सेल्स. सो पेरिसाइकिल इज मल्टी लेयर्ड कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, मेनली थ्री और फोर टाइप्स ऑफ सेल्स. द फर्स्ट वन इज पेरेंट कैमेटस सेल्स. सो ये जो पेंसिल की तरह बने हुए हैं, दीज आर दी पेरेंट कैमेटस सेल्स. दीज पेरेंट कैमेटस सेल्स, दे आर दी लिविंग सेल्स विच आर फिल्ड विद स्टार्च ग्रेन्स. They are larger in amount. The parent chymatid cells are larger in amount and they are filled with starch grains. They are living thin-walled cells. Other than the parent chymatid cells in the pericycle, the second type of cells are albuminous cells. Okay, let's consider this pink-colored cells as albuminous cells. तो जो pink-colored cells हैं, ये क्या हैं? Albuminous cells हैं. ये सारे के सारे जो हैं albuminous cells की तरह act करते हैं. So these albuminous cells are also the parent chymatid cells which are filled with proteins and starch grains. ये जो albuminous cells हैं वो proteins और starch grains से filled होते हैं और ये कम amount में ही होते हैं और आसपास होते हैं vascular bundle के साथ joint, मतलब की contact में होते हैं. So these are in very close relation to the vascular bundles and these are known as albuminous cells filled with starch grains and proteins. The third type of cell here in the black shape we can see, these are called as tracheidal cells. What? Tracheidal cells. तो ये जो tracheidal cells हैं, they are dead cells. They are having a lignified wall with broader bordered pits. तो lignified wall है, lignin present है, which means they are dead cells. They are having a bordered pits. और इनका नाम है tracheidal cells. तो pericycle multi-layered है जिसमें बहुत तरह के cells present है. पहला है parent chymatid cells, दूसरे हैं ये जो pink color के albuminous cells, तीसरे हैं ये tracheidal cells और एक और तरह के cells हैं जो कि हम यहाँ पे blue color में देख सकते हैं. So besides the above these three types of cells, there are these T-shaped girdle. ये एक जो T-shaped girdle बना है between the two vascular bundles, these T-shaped girdle is of sclerenchymatous cells. So the sclerenchymatous cells are present as a T-shaped girdle between the two vascular bundles. These are the sclerenchymatous cells. So let's revise कि जो endodermis है और vascular bundle है, endodermis के बीच के cells और vascular bundle के बाहर के cells को pericycle कहते हैं, जो कि multi-layered है. It is divisible into various types of cells. The first one is the parent chymatid cells, which are larger in amount, living wall, living cells consisting of thin wall and filled with starch grain. The second one is this pink-colored albuminous cells, which are parent chymatid cells filled with proteins and starch grains, and they are living cells.
Parenchymatous cells, albuminous cells are living cells. On the other hand, these tracheal cells, these are dead cells with lignified walls and bordered pits. Other than that, there is three T-shaped girdle of sclerenchymatous cells present between the two vascular bundles. Okay, it's done. Next thing is कि जो albuminous cells हैं, जो pink color के albuminous cells हैं और ये जो tracheal cells हैं, the albuminous cells and tracheal cells together constitute, they associate together to form transfusion tissues. They associate together to form transfusion tissues. And why this formation of transfusion tissues? Transfusion tissues का काम होता है lateral conduction करना from the vascular bundles up to the mesophyll. अब देखो जो कि xerophytic character है, xerophytic character का मतलब है कि इसमें जो midrib होती है या main vein होती है, median vein होती है, वो सिर्फ एक single एक median vein होती है, उसके अलावा जो further veinlets बननी होती है leaf के अंदर वो नहीं present होती है, which means कि lateral conduction के लिए कोई एक ऐसा midrib या veins का system नहीं है, जिसके कारण जो है transfusion tissues की formation होती है. So albuminous cells and tracheal cells, albuminous cells and tracheal cells associate together to form transfusion tissues for lateral conduction in the absence of lateral veins. Right? So, presence of transfusion tissue is also a xerophytic character. So, ye cheez bhi saamne aa gayi. So, again, we can understand it through here ki pericycle ke jo hai char layers hoti hain. Parenchymatous cells, albuminous cells, tracheal cells and T-shaped girdle present between two vascular bundles which is of sclerenchymatous cells. So, ye char cells hain jisme se parenchyma, albuminous cells, ye to living cells hain, tracheal cells, dead cells hain. Again, sclerenchymatous cells bhi एक तरह से पेरेंकाइमा कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा भी डेड सेल्स होते हैं. तो यहाँ पे जो है ट्रकीडियल सेल्स और एल्ब्यूमिनस सेल्स ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज बनाते हैं. दीज ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज आर फॉर लेटरल कंडक्शन इन द एब्सेंस ऑफ वेनलेट्स एंड इट्स ऑल्सो ए काइंड ऑफ जीरोफिटिक करेक्टर. तो हम साथ साथ में जीरोफिटिक करेक्टर को भी नोट करते जा रहे हैं. अच्छा, उसके बाद जो है हमने जो है अभी तक कवर कर लिया है एंडोडर्मिस एपिडर्मिस फर्स्ट लेयर, सेकेंड इज हाइपोडर्मिस, थर्ड इज मेसोफिल, फोर्थ इज एंडोडर्मिस, फिफ्थ इज पेरिसाइकिल और अब आखिरी जो है सिक्स वो है वेस्क्यूलर बंडल. तो वेस्क्यूलर बंडल को अगर ध्यान से देखेंगे तो वेस्क्यूलर बंडल जो है दो हैं. दे आर यूजली टू इन नंबर इन केस ऑफ ट्राइफोलियर बायफोलियर ट्राइफोलियर पेंटाफोलियर एंड टेट्राफोलियर स्पीशीज में तो दो दो होते हैं. बट मोनोफोलियर स्पीशीज एग्जाम्पल पाइनस मोनोफाइला वहां पर सिर्फ एक होता है और वो सर्क्यूलर आउटलाइन होता है. यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम दिखा देती हूँ. Here we can see over here a diagram. Yes. So ये जो एक डायग्राम है इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ ऑफ पाइनस मोनोफाइला. तो जो पाइनस मोनोफाइला है यहाँ पे जिसकी ट्रांसवर्स सेक्शन है उस ट्रांसवर्स सेक्शन में जो है सर्क्यूलर है, सर्क्यूलर है आउटलाइन में. अब सर्क्यूलर का मतलब है क्योंकि इसके पास जो इसकी ड्वार्फ शूट है वो डिवाइड नहीं की और इसका जो वेस्क्यूलर बंडल है वो सिर्फ एक है, सिंगल वेस्क्यूलर बंडल इज प्रेजेंट. जबकि जो हमने ये जो पाइनस रॉक्सबर्गी के स्पीशीज में पढ़ा है जो कि ट्राइफोलियर स्पीशीज है यहाँ पे दो वेस्क्यूलर बंडल प्रेजेंट है एंड दिस इज द मेसोफिल रीजन. राइट, here we can see this is the mesophyll region which is in which the cells are arranged horizontally, they are polygonal in shape and they perform the process of photosynthesis only. तो यहाँ पे वेस्क्यूलर बंडल इस तरह से हैं. नाउ दिस वेस्क्यूलर बंडल की अगर हम बात कर लें सो द वेस्क्यूलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन एंड एंडार्च. अगेन जो वेस्क्यूलर बंडल्स हैं दे आर कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन एंड एंडार्च. अब कॉन्जॉइंट कोलेटरल का मतलब होता है कि जाइलम फिलोएम एक दूसरे के साथ एसोसिएट है, एक बॉन्ड एक बंडल के अंदर प्रेजेंट है, सो दे आर कॉन्जॉइंट कोलेटरल. ओपन का मतलब है कैम्बियम इनके बीच में प्रेजेंट है और एंडार्च कंडीशन का यहाँ पे मतलब हो जाता है कि जो मेटाजाइलम है दिस इज द मेटाजाइलम. जो प्राइमरी जाइलम है वो दो में डिवाइड कर जाता है मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम. मेटाजाइलम जो है वो बाहर की तरफ है विच मीन्स मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरीफरी एंड प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर और टुवर्ड्स द पिथ. सो प्रोटोजाइलम इज सेंट्रीफ्यूगल, मेटाजाइलम इज सॉरी प्रोटोजाइलम इज सेंट्रीपिटल एंड मेटाजाइलम इज सेंट्रीफ्यूगल. बाहर की तरफ मेटाजाइलम, अंदर की तरफ प्रोटोजाइलम. दिस इज द एंडार्च कंडीशन. ठीक है, तो ये एंडार्च कंडीशन हो गई. ये जो है रेड कलर शेप ये है कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन दिस फ्लोएम एंड जाइलम. दिस इज प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम, कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन देम. अब हम कहेंगे कि लीफ है, लीफ के अंदर तो सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है तो इस कैम्बियम का क्या काम है. ये कैम्बियम यूजली किसी काम का नहीं होता है. इसके अगर सेकेंडरी ग्रोथ होती भी है तो सिर्फ वेस्क्यूलर बंडल्स के अंदर होती है. बीच में जो है कोई भी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की फॉर्मेशन नहीं होती है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ट्रांसवर्स सेक्शन जो है ये लीफ का विच इज वेरी
क्लियर टू अस अब कि किस तरह से जो है ट्रांसवर्स सेक्शन जो है नीडल का या लीफ का बन सकता है और इसमें क्या क्या जीरोफिटिक करेक्टर्स हैं। तो अगर हम जीरोफिटिक करेक्टर काउंट करने जाएं तो सबसे पहले चीज है प्रेजेंस ऑफ हाईली क्यूटिकुलराइज यू नो सर्फेस, देर आर हाई थिकली क्यूटिकुलराइज सर्फेस, प्रेजेंस ऑफ संकन स्टोमेटाइज जीरोफिटिक करेक्टर, प्रेजेंस ऑफ रेजिन डक्ट्स इन द मिजोफिल इज अ जीरोफिटिक करेक्टर, एंड द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज इज अ जीरोफिटिक करेक्टर, सो एंड दे हैव रिड्यूस्ड साइज, दिस इज अ जीरोफिटिक करेक्टर। सो देर आर मेनी जीरोफिटिक करेक्टर्स विच इज अडॉप्टेड बाई लीफ ऑफ पाइनस और फॉलिएज लीफ, जिसको हम नीडल भी कहते हैं। सो द फॉलिएज लीफ और नीडल ऑफ पाइनस इट एग्जिबिट अ लार्ज जीरोफिटिक करेक्टर एंड this helps the pinus to save its water or its liquid conditions and mineral nutrients. Now the next thing about them are ki ek do hamare paas पाइन जो है एक तरह से हैं जिसको हैप्लोजाइलोन और डिप्लोजाइलोन पाइन बोलते हैं। अब ये चीज क्या है हम जल्दी से देख लेते हैं। एक साइंटिस्ट है कोहेने, मतलब थे कोहेने, इन 1893 उन्होंने क्या किया जो जीनस है पाइनस का उसको टू डिफरेंट जेनरा में डिवाइड कर दिया, मतलब पाइनस को डिवाइड कर दिया इस जीनस को दो अलग अलग जेनरा में, विच इज हैप्लोजाइलोन पाइन एंड डिप्लोजाइलोन पाइन। नाउ व्हाट इज हैप्लोजाइलोन पाइन एंड डिप्लोजाइलोन पाइन? हैप्लोजाइलोन पाइन का केस सीधा सा है कि जिस लीफ के अंदर सिंगल प्रोमिनेंट मीडियन मिडरिब होगी वो होगा हैप्लोजाइलोन पाइन, और ये हम देखते हैं इन केस ऑफ पाइनस मोनोफाइला स्पीशीज के अंदर जिसके पास सिर्फ एक सिंगल प्रोमिनेंट मिडरिब होती है, उसके अलावा कोई भी वेन नहीं प्रेजेंट होती, सिर्फ ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज हैप्लोजाइलोन पाइन ऑन द बेसिस ऑफ मीडियन मिडरिब, वन प्रोमिनेंट मीडियन वेन। अब डिप्लोजाइलोन पाइन में क्या है, दो हैं इसके, एक मिडरिब है या एक मीडियन वेन है। दे हैव टू वाइडली सेपरेटेड वेन्स इन द फॉलिएज लीफ और नीडल ऑफ पाइनस। वी कैन ऑब्जर्व दिस थिंग इन डिफरेंट स्पीशीज सच एज पाइनस रॉक्सबर्गी, पाइनस इंसुलेरिस, पाइनस गराडियाना, जिसमें दो प्रोमिनेंट मिडरिब्स हैं इंस्टेड ऑफ वन। सो दिस इज डिप्लोजाइलोन पाइनस। सो हैप्लोजाइलोन डिप्लोजाइलोन इज क्लियर। सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, share, comment. Thank you so much.